गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नारायण 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 नारायण। महाभारत शांति पर्व अध्याय संख्या 259। युधिष्ठिर उवाच, भीष्म पितामह को अब युधिष्ठिर जी प्रश्न कर रहे हैं। हे पितामह, ये सभी मनुष्य प्रायः धर्म के विषय में संशयशील हैं, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार, ये तीन धर्म के स्वरूप को लक्षित कराने वाले हैं। वेद, स्मृति और सदाचार, कुछ विद्वान अर्थ को भी धर्म का चौथा लक्षण बताते हैं। शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बताए गए हैं उन्हें ही प्रधान एवं अप्रधान सभी लोग निश्चित रूप से धर्म मानते हैं। कुछ उसमें मुख्य हैं और कुछ उसमें गौण हैं। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही महर्षियों ने यहाँ धर्म की मर्यादा स्थापित की है। पूछा कि उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। धर्म का पालन करने से आगे चलकर इस लोक में भी फल के स्वरूप में और मरने के बाद परलोक में भी सुख मिलता है। पापी मनुष्य विचार पूर्वक धर्म का आश्रय न लेने से पाप में प्रवृत्त होकर उसके दुख रूप फल का भागी होता है। पाप का फल है दुख। कहते हैं कि जैसे चोर जो है वह धर्म कार्य में प्रवृत्त होकर भी दूसरों के धन का अपहरण कर ही लेता है, यानी भले धार्मिक प्रवृत्ति कुछ कर रहा है धार्मिक कार्य, पर बाकी उसका काम तो चोरी करना है। तो इसलिए धर्म कार्य में प्रवृत्त होकर भी चंदा दे दिया है ना धार्मिक कार्य के लिए, पर उसका कार्य क्या है, चोर का, दूसरों के धन का अपहरण करना, और वो कर ही लेता है। पराये धन का अपहरण करने वाला लुटेरा वो सुख का अनुभव करता है, पर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि परंतु जब दूसरे लोग उस चोर के धन का भी हरण कर लेते हैं तब वह चोर भी प्रजा की रक्षा करने और चोरों को दंड देने वाले राजा को चाहता है, उसकी आवश्यकता का अनुभव तब करता है। उस अवस्था में वह उन पुरुषों के समान बनने की इच्छा करता है जो अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, दूसरों के धन पर हाथ लगाना पाप समझते हैं। तो यहाँ दो श्लोक में बता रहे हैं कि पहले तो धन का अपहरण करके और सुखी होता था, पर जब उसके भी धन का किसी ने अपहरण कर लिया तो अब वो कहता है कि नहीं, चोरी का दंड मिलना चाहिए, और अब वो दूसरों के धन पर हाथ लगाना पाप समझता है। अच्छा, जो पवित्र हैं जिसमें चोरी आदि के दोष नहीं हैं, वह मनुष्य निर्भय और निशंक होकर राजा के द्वार पर चला जाता है, क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा में कोई दुराचार नहीं देखता है।
दूसरे शब्दों में सत्य बोलना ये शुभ कर्म है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं, सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि दूसरों के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। एक और दृष्टांत देके समझा रहे हैं धर्म का स्वरूप। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिक भाव का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं। ये स्वयं बलवान हैं तो कहते हैं ये धर्म ये सब बकवास है, ये तो दुर्बल लोगों का चलाया हुआ है। किंतु जब दुर्भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तब अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसार में कोई भी, भीष्म पितामह कहते हैं हे युधिष्ठिर, संसार में कोई भी न तो अत्यंत बलवान होते हैं और न बहुत सुखी ही। तो व्यक्तिगत उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को, तुम्हें अपनी बुद्धि में कभी कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए। राजा हैं तो इसलिए सावधान रहना है, बुद्धि में कभी कुटिलता प्रवेश न करने पावे। जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है उसे दुष्टों, चोरों अथवा राजा से भय नहीं होता। शुद्ध आचार विचार वाला पुरुष सदा निर्भय रहता है। जैसे कोई हिरण जंगल से गांव में आ गया तो गांव में आए हुए हिरण की भांति जो चोर से यही लक्षण समझो। अंत में कहते हैं विधाता ने पूर्व काल में सत्पुरुषों के जिस उत्तम आचरण का विधान किया है वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म एवं अर्थ के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए हे पुरुषश्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे धर्म का लक्षण बताया है, अतः तुम किसी तरह कुटिल मार्ग में अपनी बुद्धि को नहीं ले जाना। अब यहाँ जैसा मैंने कल बताया 260वें अध्याय में युधिष्ठिर ने बड़े विस्तार में 20 श्लोकों में धर्म की प्रामाणिकता पर संदेह उपस्थित कर दिया है। कैसे? युधिष्ठिर कहते हैं हे पितामह, आपने धर्म का सूक्ष्म एवं सुंदर लक्षण बताया है परंतु मुझे कुछ और ही स्फुटित हो रहा है। मैं इसके संबंध में अनुमान से ही कुछ कहूँगा। मेरे हृदय में जो बहुत से प्रश्न उठे थे उन सबका आपने निराकरण तो कर दिया है, पर अब मैं ये दूसरा प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। इसमें आप मेरा दुराग्रह न माने, जिज्ञासा ही इसमें कारण है। हे पितामह, धर्म ही इन प्राणियों की सृष्टि करते हैं। अच्छा, धर्म ही उनके जीवन धारण रूप धारण में कारण होते हैं, परंतु धर्म को केवल वेदों के पाठ मात्र से नहीं जाना जा सकता। जो मनुष्य अच्छी स्थिति में है उसका धर्म दूसरा है, जो संकट में पड़ा हुआ है उसका धर्म दूसरा है। केवल वेदों के पाठ से आपत धर्म का ज्ञान कैसे हो सकता है? यानी आपत्ति में क्या धर्म है वो वेदों के पाठ से उसका ज्ञान कहाँ होता है? अच्छा, आपने अभी अभी बताया कि सत्पुरुषों का आचरण धर्म माना गया है। जिन्हें धर्माचरण लक्षित होता है वे ही सत्पुरुष है। यानी एक और तो कह रहे हैं कि सत्पुरुषों का आचरण धर्म है, दूसरी ओर कहते हैं कि जिनमें धर्माचरण लक्षित होता है वे ही सत्पुरुष हैं। वे तो अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति यहाँ हो रही है। ऐसी दशा में सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है? अच्छा,
श्लोक में ये भी देखा जाता है कि कितने ही प्राकृत मनुष्य ध्यान से सुनेगा, युधिष्ठिर जी पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग देखे जाते हैं जो प्राकृत मनुष्य धर्म से दिखाई देने वाले, यानी धर्म है नहीं पर झूठा आडंबर अधर्म का आचरण कर रहे हैं और दिखाते ये है कि हम धर्म कर रहे हैं। अच्छा, कितने ही श्रेष्ठ पुरुष भी अधर्म प्रतीत होने वाले धर्म का अनुष्ठान करते हैं, मूल में तो वो अधर्म है पर कहते हैं कि ये धर्म है। अतः केवल आचार से धर्माधर्म का निर्णय मेरी दृष्टि से नहीं हो सकता। शास्त्र के पुरुषों ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया, अगला प्रश्न है, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्ययुग के धर्म कुछ और हैं, त्रेता और द्वापर के धर्म कुछ और ही हैं, कलयुग के धर्म कुछ और ही बताए गए हैं। मानव मुनियों ने लोगों की शक्ति के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था की। अच्छा, वेदों का वचन सत्य है यह कथन लोक रंजन मात्र है, क्यों? वेदों से ही सर्वतम की स्मृतियों का प्रचार और प्रसार हुआ है। प्रश्न यह है कि यदि संपूर्ण वेद प्रामाणिक हैं तो स्मृतियां भी प्रामाणिक हो सकती हैं, परंतु जब युग युग में धर्म के विषय में विभिन्न प्रकार की बातें बताई जा रही है तो प्रमाणभूत जो वेद हैं वे भी अप्रामाणिक हो तो वेद मूलक स्मृतियां भी प्रामाणिक नहीं रहेगी। जब धर्म का अनुष्ठान हो रहा हो उस समय बलवान दुरात्माओं द्वारा उसमें जो जो विकृति उत्पन्न की जाती है उसके कारण उस धर्म मर्यादा का ही लोप हो जाता है। अच्छा, एक और समस्या है, हम धर्म को जानते हो या न जानते हो, धर्म स्वरूप जाना जा सकता हो या नहीं, इतना तो हम समझते ही है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक विशाल एवं भारी। धर्म के विषय में जब आलोचना की जाती है तब पहले तो वह गंधर्व नगर के समान दिखाई देता है, फिर विद्वानों द्वारा विशेष रूप से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वह अदृश्य हो गया। इसलिए कहते हैं कि जैसे बहुत सी गौओं को पानी पिलाने से जो छोटे जलाशय होते हैं वे सूख जाते हैं, जैसे अधिक खेतों की सिंचाई करने से नहरों का पानी निपट जाता है, उसी प्रकार सनातन वैदिक धर्म अथवा स्मृति शास्त्र धीरे धीरे क्षीण होकर कलयुग के अंतिम भाग में दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि उस समय कुछ लोग स्वार्थवश दूसरे लोग दूसरों की इच्छा से तथा अन्य मनुष्य अन्यान्य कारणों से धर्माचरण करते हैं और बहुत से असाधु पुरुष भी व्यर्थ धर्माचरण का भोग फैला देते हैं। कलयुग की बात बता रहे हैं, उन दिनों लोगों द्वारा प्राय सकाम भाव से ही धर्म का आचरण होता देखा जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों में जो यथार्थ धर्म होता है वह शीघ्र ही मूर्ख मनुष्यों की दृष्टि में लाभ मात्र सिद्ध होता है। वे मूर्ख उन धर्मात्मा पुरुषों को पागल कहते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। इतने जो तुम प्रश्न कर रहे हो कोई दृष्टांत है? आचार्य द्रोण जैसे महापुरुष भी स्वधर्म से हटकर क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेते, जो ब्राह्मण थे है ना वो एक ही युद्ध में युद्ध करते। अतः कोई भी आचार ऐसा नहीं है जो सबके लिए समान रूप से हितकर या सबके द्वारा समान रूप से पालित होंगे। अब ये अंतिम तीन श्लोक, यह भी देखा जाता है कि
तप है, जो तप को धर्म बताया है, तो उसी तप के आचरण से विश्वामित्र आदि अन्य महापुरुषों ने तो उन्नति प्राप्त की, ये तो ठीक है, पर रावण आदि निशाचर उसी धर्म के बल से यानी तप के बल से दूसरों को पीड़ा देते। कश्यप आदि अनेक महर्षि ईश्वर की इच्छा से उसी धर्म यानी तप रूपी धर्म के द्वारा सदा एक ही स्थिति में दिखाई देते। तो जिस धर्म को अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति करता है, तब का दृष्टांत देकर बताया कि कैसे विश्वामित्र और रावण और कश्यप अलग अलग उसका ये फल है, तो है तो धर्म तब तो एक ही है। तो जिस धर्म को अपनाकर एक व्यक्ति उन्नति करता है, उसी से दूसरा दूसरों को पीड़ा देता है। अगर सबके लिए आचारों की एक रूपता कोई नहीं दिखा सकता, तो अंत में कहते हैं आपने पहले उसी धर्म का वर्णन किया है जिसे विद्वान लोग चिरकाल से धारण करते चले आ रहे हैं। मैं भी यही समझता हूँ कि कुछ पूर्व प्रचलित धर्म के आचरण द्वारा ही समाज की मर्यादा दीर्घकाल तक टिकी रहती है, पर अब ये जो धर्म की प्रामाणिकता पर जो संदेह है, इसका ये समाधान चाह रहे हैं, तब भीष्म पितामह कहते हैं ये राजन। अगला अध्याय, धर्म के विषय में जाजली के साथ तुलाधर वैश्य की जो बातें हुई थी, उसी प्राचीन इतिहास का विद्वान पुरुष यहाँ उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जाजली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो वन में ही रहते थे और विचरते थे। उन महान तपस्वी जाजली ने समुद्र के तट पर जाकर बड़ी भारी तपस्या की। नियम से रहते, नियमित भोजन करते, बलकल चल जटा धारण किया करते थे। वे बुद्धिमान मुनि बहुत वर्षों तक बस शरीर मेला है, कीचड़ लगा है, फिर किसी समय समुद्र तटस्थ जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले वे महातेजस्वी विप्रशी संपूर्ण लोकों को देखने के लिए मन के समान तीव्र गति से विचरण करने लगे, अर्थात उनको सिद्धि प्राप्त हो गई और वन और आनंदों से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का निरीक्षण करके समुद्र तटवर्ती सजल प्रदेश में निवास करते समय जाजली मुनि कभी इस प्रकार विचार करते थे। विचार में उनके क्या आया, चराचर जगत में मेरे सिवाय ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ जल में विचरने और आकाश में घूमने फिरने की शक्ति रखता हो, यानी राक्षस भी मुझे नहीं देख पाते, राक्षसों से अदृश्य रहकर जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले उन जाजली मुनि ने जब ये मन में विचार किया कि मेरा जैसा कोई नहीं है, तब अदृश्य पिशाचों ने मुझसे कहा, हे मुनि, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, काशी में महायशस्वी तुलाधार रहते हैं जो वणिक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी आज आप कह रहे हैं। वो जो अदृश्य भूतों का एक प्रकार से आकाशवाणी का जो उन्होंने श्रवण किया, तो जाजली ने पूछा, क्या मैं उन ज्ञानी एवं यशस्वी तुलाधार का दर्शन कर सकता हूँ? अब जल प्रदेश से बाहर निकाल कर राक्षसों ने मुझसे कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस मार्ग का आश्रय लेकर काशीपुरी चले जाएंगे। उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर
जाजली मुनि उदास होकर, क्योंकि एक पॉइंट पे उनको लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि वो जो वैश्य तुलाधार है ना, वो भी ऐसी बात नहीं कर सकता जैसे तू कह रहा है। तो थोड़े उदास हो गए और काशी में गए और तुलाधार के पास पहुँच कर अब क्या कहते हैं इसकी चर्चा मतलब करेंगे। नारायण नारायण नारायण।